नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आपको चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं सर बस डिस्कस करेंगे आईएसबाबा के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आज का तारीख जो डिस्कस करेंगे वो 31 अक्टूबर का है। करंट अफेयर्स में इसका करंट अफेयर एनालिसिस काफी अच्छा ही। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे WWF जो है उसका रिपोर्ट आया, भारत की जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है वो काफी खराब हो रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलास, ठीक है, जो कि WWF निकालती है, ठीक है, यूरोपियन कमीशन ज्वाइंट रिसर्च सेंटर निकालती है, जो उसके द्वारा ये कहा गया है। ये एक तरह का एटलास होता है जिसमें ये कहा गया कि भारत एक ऐसा नेशन है, उन नेशनों में से एक है, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल ऑफ रिस्क देख रहा है अपने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। इसके अलावा भारत के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की और यूरोप की, और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका जो है वो रेड कलर में है यहाँ पे एटलास में। अब यहाँ पे देखेंगे कि एटलास जो है काफी मतलब देखिएगा ये कि अच्छी तरीके से बनाया हुआ एटलास है, जहाँ की जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में है वो रेड से है, हाई ऑरेंज कलर से यहाँ पे कलर किया हुआ, मॉडरेट सिचुएशन यहाँ पे उसको येलो कलर से कलर किया गया, लो है लाइट ग्रीन से, वेरी लो है डार्क ग्रीन से, और वाटर जो ब्लू कलर का बीच में देखिएगा मेडिटेरियन और कैप्सियन मेडिटेरियन सी आता है आपका, तो इसलिए आपको यहाँ पे उसको ब्लू कलर से कलर किया गया। और लाइट ब्लू जो है वो आइस है, ठीक है, तो आइसलैंड यहाँ पे, और नीचे अंटार्कटिका जो है वो आइस है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डू यू नो में कि जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है वो ये देखता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में दो चीज होते हैं, एक तो माइक्रोफौना और एक तो मैक्रोफोना। माइक्रोफोना में नेमाटोड्स, टाइगिटाइड्स जो होती है, एक बहुत छोटे छोटे शुक्राणु जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो आते हैं। जो मैक्रोफोना होता है उसमें एंट, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स ये सब में आते हैं, ठीक है। अब रिस्क इंडेक्स जो होता है ग्लोब का, कि किस तरह का रिस्क इंडेक्स है, देखिए यहाँ पर देखिएगा रिस्क इंडेक्स इसको कहते हैं। तो ये रिस्क इंडेक्स है, उसमें देखिएगा कि ये बेसिकली क्या चीज शो कर रहा है, कि किस तरह से थ्रेट है हर कोई भी नेशन के पास। यहाँ पे आप देखिएगा अबव ग्राउंड का डाइवर्सिटी हो गया, पॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट एक जगह बहुत ज्यादा लोड हो जाता है वो, ओवरग्रेजिंग, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, आग, सॉइल इरोजन, कोई एरिया डेजर्ट बन जा रहा है उसका, या फिर क्लाइमेट चेंज, तो ये सब चीज को शो करता है रिस्क इंडेक्स, ठीक है। अब एक और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF बनाती है, तो इसका ये कहना है कि बेसिकली जो ह्यूमंस है वो इस धरती को एकदम इसके अंत तक लेके जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि 60% डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको, वो जो पॉपुलेशन जो था पहले मैमल्स का, बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस जो है उनका पॉपुलेशन में आपको 60% डिक्लाइन देखने को मिलेगा 40 साल में। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा ही डिक्लाइन अगर आप देखिएगा तो पॉलिनेटर्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे डिक्लाइन है। पॉलिनेटर्स वो जीव होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि एक प्लांट जो है उसका फूल फल बन सके, ठीक है, उसको रिप्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं वो होता है पॉलिनेटर्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। तो पहले जब यहाँ पे बातें की जा रही है कि जब जरूरत पड़ी, जब 150 मिलियन बी कॉलोनीज का जरूरत होता है पॉलिनेशन के लिए, अगर हम लोग को 50 मिलियन हेक्टेयर का एग्रीकल्चर लैंड की भारत में, तो उसको हम लोग पॉलिनेट करना है। जब ढूंढा गया कि कितना बीज है हमारे पास, तो ओनली 1.2 मिलियन कॉलोनीज हम लोग को बीज मिली, ठीक है, 150 मिलियन में से हम लोग को 1.2 मिलियन बस मिल रही है। तो ये थोड़ा यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऊपर का जो दो स्टडीज के बारे में बोला गया, तो ये बता दें कि किस तरह से जो कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि हम देखिएगा बीज जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, और काफी और भी जो पॉलिनेटर्स होते हैं, कुछ दिन पहले पढ़े कि मॉथ भी एक तरह का पॉलिनेटर होता है, तो वो जो पॉलिनेटर है उसे कम होने की वजह से यहाँ पे कितना खराब सिचुएशन हो रहा है। और इसकी वजह से फूड जो है वो ऑफकोर्स उन लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि फल यहाँ पे कम होगा अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं होंगे तो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो की डाइवर्स फैक्टर होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो ये है कि ओवर एक्सप्लोरेशन एक नेचुरल रिसोर्सेज का, यानी कि वह जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी हो गया या फिर माइंस हो गए, तो वो सब चीज का जो ओवर एक्सप्लोरेशन कर देते हैं, ठीक है, एक्सेसिव यूज कर देते हैं, तो वो एक फैक्टर है। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है एग्रीकल्चर की, हम लोग जो एरिया होता है फॉरेस्ट का उसको क्लियर करते हैं मतलब पेड़ उगाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो सब चीज के लिए जो क्लियर करते हैं वो, तो ये दो की ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर भारत का पर कैपिटा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो 1.75 हेक्टेयर्स पर पर्सन से भी कम था, जो कि जितने भी कंट्री सर्वे की गई सब में कम है। और ये बोला जा रहा है कि अब इस वजह से क्या है कि ये इकोलॉजिकल क्राइसिस में बहुत ज्यादा अवेलेबल, मतलब यहाँ पे इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे कल के दिन खाने पीने का सामान जो है वो कम पड़ जाए हर किसी को। और बोला जा रहा है कि ये अगर हम लोग अभी का पर कैपिटा इनकम एकदम स्टेबल भी कर देते कि अब हम लोग पर कैपिटा अपना इनकम बढ़ाएंगे भी नहीं, तो भी बोला जा रहा है कि हम लोग का सिचुएशन जो है वो खराब होगा, और हम लोग ऑफकोर्स पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा ही बढ़ने का कगार में अभी है। डू यू नो में देखिए क्या बोला गया कि मेजोरिटी जो फ्लावरिंग पॉइंट्स है वो पॉलिनेटेड किया जाता है इंसेक्ट्स और एनिमल्स के द्वारा, और ये एस्टिमेट किया गया कि मतलब एनिमल पॉलिनेटेड जो वाइल्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, वो 78%
जो ट्रॉपिकल जोन में होते हैं उससे बढ़ गया 78% यहाँ पे जो टेम्परेट जोन में होते हैं उससे बढ़ गया 94% रहते हैं ट्रॉपिकल कम्युनिटीज में। तो ये थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स था। अब सेकंड बात करेंगे WWF वही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 के बारे में, जो कि ऊपर हम लोग देखे उसको थोड़ा बड़ा से यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो जीएस प्रीलिम्स मेन सुपर 3 का एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी में देखेगा जो वर्ल्ड वाइड फंड जो है, ठीक है, वो लिविंग प्लैनेट का इंडेक्स है जो कि 4000 से ज्यादा स्पीसीज को अप्रोक्सीमेटली 17000 पॉपुलेशन में यहाँ पे भाग करते हैं, उसको डिटेल देता है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेसिकली क्या उसको फाइंडिंग्स है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला फाइंडिंग क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा है। जैसे कि ऊपर भी देखें तो 1970 से 2004 के बीच में देखिएगा कि जो एनिमल्स का बैकबोन है मतलब बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल एंड फिश, ठीक है, तो ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे 60% उनका डिटेल्स यहाँ पे कहा गया है। फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट मतलब फ्रेश वाटर मतलब पानी में रहने वाले जो भी प्राणी होते हैं जिसके पीठ में हड्डियां हैं, ठीक है, तो वो काफी अभी 80% तक उसको जो लॉस है वो गिर चुका है, 80% पॉपुलेशन का कम हो चुका है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल अगर बात करें कहाँ कहाँ पे ज्यादा सबसे खराब सिचुएशन था, तो साउथ और सेंट्रल अमेरिका सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में था, जहाँ की 89% का जो पॉपुलेशन है वो नीचे गिर चुका है, ठीक है। 1970 में का पिछला सिचुएशन था, 2004 में 89% यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। तो मतलब इतना ही कम समय में यहाँ पे 44 साल के अंतर में ऐसा चीज हो चुका है। इसके अलावा डिसअपीयरिंग स्पीशीज के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे जो इंडेक्स का मतलब एक्सटेंशन का जो इंडेक्स होता है उसमें बात किया गया कि 5 मेजर ग्रुप्स हैं यहाँ पे, बर्ड्स, मैमल, एम्फीबियंस, कोरल्स और एक एक्सटिंक्ट फैमिली जिसको सिकार्डास कहते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स की एक एक्सटिंक्ट फैमिली है। तो उस सबको बात किया गया कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही उसको देखेगा कि बहुत ज्यादा इसके वजह से इनका एक्सटेंशन के वजह से देखने को भी दिखाई दे रहा है कि जो धरती है अब वो अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, अब यहाँ पे कुछ खास है नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग डिपेंड होता है, ठीक है, कि किस कैटेगरी को हम लोग लेते हैं, तो उस कैटेगरी में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो एक्सटेंशन था पहले, जो मतलब बिफोर एक सेंचुरी पहले जब इंसान उतना ज्यादा हिट नहीं कर रहा था अर्थ को, उतना ज्यादा यहाँ पे हार नहीं पहुंचा रहा था, उसके मुकाबले अभी क्या हो रहा है कि 100 से 1000 गुना ज्यादा हम लोग स्पीड में यहाँ पे खराब मतलब यहाँ पे हार्म एक्सटिंक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और डेफिनेशन के द्वारा यही माना जा सकता है कि हाँ भाई मतलब हम लोग एक मार्क्स एक्सटिंक्शन के समय पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर हर कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, ये 0.5 बिलियन का 1/6 हिस्सा में ही हम लोग इस अवस्था में पहुंच चुके हैं, ठीक है, 1 बिलियन ईयर्स भी हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे। अगर बाउंड्रीज ब्रीच करने की बात किया जाए तो यहाँ काफी बाउंड्रीज हम लोग ब्रीच किए। 2009 में देखिएगा कि साइंटिस्ट ने यह बोला है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही अपना जो अपेटाइट्स है, ठीक है, हम लोग का जो नीड्स है उसको लोग बहुत ज्यादा ही बढ़ा रहे, ठीक है। एक था उस समय जो रिपोर्ट आया था उसका नाम था अर्थ सिस्टम, ठीक है, विद इन नेचर, तो ये था। और ये बोल रहा था कि मतलब 9 एरियाज ये दिया था, और 9 एरिया में क्या बोला था कि पूरा डिटेल्स था कि कितना एरिया में, ठीक है, 9 सेक्टर में बताया था कि कितना एरिया में इंसान को फैलना चाहिए, ठीक है, चाहे पानी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसमें हमें बताया गया कि कितना सेक्टर में होना चाहिए, कितना ज्यादा ओपन स्पेस हर किसी के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कि डू नॉट क्रॉस रेड लाइन एक था कि हम लोग को उसको क्रॉस नहीं करना, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए भी डू नॉट क्रॉस रेड लाइन था कि हमको उससे ज्यादा क्लाइमेट को खराब नहीं करना। वो क्या था, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यूएन की रिपोर्ट के तरह हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुके हैं और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बाकी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी हम लोग बेसिकली 2 कंडीशंस तो अभी ब्रीच कर दिए, ठीक है, वो है एक स्पीसीज लॉस जो कि हम लोग ब्रीच कर चुके हैं, इसके अलावा इम्बेलेंसेज अर्थ नेचुरल साइकिल ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस को जो ओरिजिनल जैसा होना चाहिए, जिस तरह से उसको फिक्स होना चाहिए अर्थ के अंदर जाना चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस, उसको हम लोग चेंज कर चुके हैं क्योंकि हम लोग अभी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन है वो, तो ये 2 चीज तो हम लोग पहले ब्रीच कर चुके हैं। इसके अलावा अगर 2 और बात करें, चाहे क्लाइमेट और लैंड डिग्रेडेशन है, उसमें हम लोग 1 पैर गुजार चुके हैं, 1 बार हम लोग का बाहर है, मतलब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इसको खराब कर ही चुके हैं। यहाँ पे ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है, और फ्रेश वाटर सप्लाई जो है वो मतलब यहाँ पे अवस्था खराब है। इसके अलावा केमिकल पोल्यूटेंट देखेगा जैसे कि एंडोक्रीन डिस्रप्टर्स है, हैवी मटेरियल प्लास्टिक्स, तो ये देखेगा कि कितना ज्यादा यहाँ पे हार्म कर रहा है, और हम लोग को उतना आइडिया भी नहीं कि हम लोग कितना ज्यादा हार्म यहाँ पे नेचर को कर रहे हैं, ये यहाँ पे मुद्दा है, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यहाँ पे श्रिंकिंग फॉरेस्ट के बारे में बात की गई, जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा स्पीड में श्रिंक हो रहा है। यहाँ पे 20% जो अमेजन का रेन फॉरेस्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है वो डिसअपीयर कर गया लास्ट 5 डिकेड्स में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब बेसिकली ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे रीजन से बुट क्या है, तो यहाँ पे सोयाबीन बनाने के लिए, पाम ऑयल बनाने के लिए, कैटल ग्रेज करने के लिए, यहाँ पे इस तरह का चीज जो हुआ। अगर ग्लोबली बात किया जाए 2000 से 2014 के बीच में, तो अप्रोक्सीमेटली 9920
ठीक है, मतलब 9,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हम लोग डिस्टर्ब कर दिए फॉरेस्ट का, फिर यूं बोलो कि जो फॉरेस्ट है वहां से हट चुका है। और वो कितना बड़ा जगह ये एरिया, तो पाकिस्तान को ले लीजिए, एक पाकिस्तान इतना बड़ा होता है, या फिर फ्रांस और जर्मनी को मिला करके ले लीजिए, तो उतना बड़ा फॉरेस्ट जो हम लोग खराब कर चुके हैं। ठीक है, और सैटेलाइट डाटा ये शो करता है कि मतलब 20% ज्यादा स्पीड से यहाँ पे हो रहा है जो डिग्रेडेशन है 2014 से 2016 के बीच में, मतलब लास्ट 2 ईयर्स में देखिएगा कि 20% स्पीड में हो रहा है, जो कि पहले 15 साल में हुआ था उससे ज्यादा यहाँ पे 20% स्पीड से हो रहा है यहाँ पे अब डिग्रेडेशन। डिप्लेटिंग ओशंस की अगर बात करें तो ओशंस भी यहाँ पे डिप्लेट हो रहा है। देखिए ओशंस का मत कहने का मतलब यहाँ पे जो ओशन में जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे सिंस 1950 के बारे में बात किया जाए तो 6 बिलियन टन ऑफ फिश, क्रस्टेशियंस, कॉम्स, स्क्विड और अदर एडिबल सी क्रिएचर्स हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके अलावा काफी ज्यादा हम लोग सोफिस्टिकेटेड फिशिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं, ग्लोबल कैचेस यूज करते हैं। ठीक है, और 1996 में इसका सबसे ज्यादा पीक देखने को मिला कि सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में यहाँ पे डिक्लिनेशन यहाँ पे होने लगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो पोल्यूशन जो है वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड शैलो वाटर कोरल रीफ को मार चुका है, जो रीफ्स होते हैं पानी के अंदर जो होते हैं वो उसमें से आधा मार चुका है, जो कि रीफ जो है वो 1/4 जो पानी के अंदर जो रहने वाला प्राणी होते हैं तो उनका घर है। ठीक है, तो उसको उसका आधा मतलब जो 1/4 पानी का जो घर देते हैं उस चीज को ही आधा हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। क्या डिस्ट्रॉय किया, तो क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन इसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग उसको 1.5 डिग्री तो कोई व्यवस्था में अभी तो फिर भी ये मुश्किल है, असंभव है अभी भी। ठीक है, फिर भी अगर हर कंट्री मिलकर यहाँ पे कोशिश करती है 1.5 डिग्री में अगर रोक भी देती है, फिर भी क्या होगा कि मतलब जो डिस्ट्रक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 70-90% यहाँ पे हो ही जाएगा। तो बोला जा सकता है कि हाँ 1/4 जो भी वहाँ पे प्राणी के जो सॉरी पानी के जो प्राणी है तो वो सबका मरना तो यहाँ पे निश्चित है। इसके अलावा बोलेगा कि कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो जो कि हम लोग को स्ट्रॉम सर्जेस से बचाता है, ठीक है, जो सी का लेवल बढ़ जाता है तो उससे बचाता है, तो वो भी आधा हो चुका लास्ट 50 साल में। तो ये थोड़ा डिटेल से काफी डराने वाला ये डिटेल से, ठीक है, और डरना चाहिए इंसान को इससे। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है हर किसी को पता है यहाँ पे एक ट्रिब्यूट है सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का, यहाँ पे ये 177 फीट बड़ा जो कि अभी तक हाइएस्ट था उससे, जो कि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का जो लुशान कंट्री में है ये, ठीक है, चाइना में एक स्टेट का नाम ही लुशान कंट्री है, तो वहां पे ये देखने को आपको मिलता है। और ये जो है ये अभी तक टॉयस स्टैचू था, लेकिन इससे 177 फीट बड़ा एक भारत में स्टैचू है जिसको कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात भारत में। ठीक है, ये मिलता है आपको, एक आइलैंड है डिवल आइलैंड जिसको कि साधु बेत बोला जाता है। ठीक है, मैंने इसको सर्च किया, साधु बेत बेसिकली मैं इसको सर्च किया गूगल में, मुझे मैप में ये मिला नहीं ये कहाँ पे है, लेकिन जो एरिया बोला गया राजी पिपला जो कि गुजरात में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो। तो देखिए ये जो लोकेशन है, ठीक है, अहमदाबाद के पास का यहाँ पे है वो राजी पिपला, तो हाँ देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये है राजी पिपला, और मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ कि रिसेंट इवेंट का जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बगल में थोड़ा ये आते हैं, यहाँ पे देखिए दहेज आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको याद में आओ तो यहाँ पे फेरी सर्विस चालू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि दहेज से आपको लेकर के जाती है गोवा तक, दहेज गोवा फेरी सर्विस यहाँ पे आई है। और अगर आप लोग देखिएगा तो ये कितना एरिया बचाती है, मतलब कितना जो लैंड कवरिंग है वो बचाती है। तो अगर किसी इंसान को दहेज से गोवा जाना रहता था, सॉरी यहाँ से यहाँ तक जाना रहता, तो उसको यहाँ से होते हुए पूरा इसको कवर करते हुए जाना था, जो कि अब यहाँ से डायरेक्टली किया जा सकता है। 130 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पे बस 30 किलोमीटर में यहाँ पे कवर किया जा सकता है। तो ये एक डिटेल था। ठीक है, मतलब ऐसे ही मैप्स को रेफर कीजिएगा तो काफी कुछ आप लोग को भी जानने मिलेगा अच्छा अच्छा चीज। तो चलिए ये था, अब एक अच्छा सा यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ कंपैरिजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात, ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकंड है ये देखिएगा तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 120 मीटर का, और यहाँ पे आपको उशुक्यू दिया वास्तु ये भी 120 मीटर का है। यहाँ पे मदरलैंड कॉल्स भी एक मोनूमेंट है जो की वोलोग्राड रशिया में है, ठीक है, 85 मीटर का है। इधर हम लोग बात करें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क का, जो की हाथ में ये लेके खड़ा रहती है, तो वो 93 मीटर का है अप्रोक्सीमेटली, भारत का जो उससे डबल है। ठीक है, और इसके बाद जो क्रिस्ट रिडीमर है जो कि एक पहाड़ के ऊपर मतलब स्थित है, तो वो 38 मीटर का है मात्र, और उसके उससे छोटा जो है एंजल ऑफ नॉर्थ का जो है यहाँ पे मूर्ति है तो 20 मीटर का। ये थोड़ा डिटेल्स है। अब इसके बाद बात करेंगे इंडिया और इटली का जो डिफेंस मीटिंग है उसको। यहाँ पे इंडिया जो है वो इनवाइट किया इटली को कि आप लोग आइए और मेक इंडिया स्कीम के अंदर यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए और बेसिकली डिफेंस को यहाँ पे बढ़ाइए। इंडिया और इटली जो है उन्होंने अपना 9th मिलिट्री ग्रुप मीटिंग इस अक्टूबर में पहले ही किया था, और जिसमें ये लोग अग्री किए थे कि हम लोग कोऑपरेशन करेंगे 2019 में। बोथ कंट्री ने क्लब ऑफ टेरर फाइनेंसिंग सॉरी जो टेरर फाइनेंसिंग है उससे लड़ने के लिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है। पहली टाइम है जो दो कंट्रीज यहाँ पे मिल करके ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन करेगी। पिछली बार जब हुआ था तो अगस्टा वेस्टलैंड केस एक्सप्लोडेड जो है
सॉरी अगस्टा वेस्टलैंड केस जो है 2013 में, उस समय हुआ था, उसके बाद अभी होने वाला है, ये तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा देखेंगे मेन फोकस में अगर हम देखें तो यूनिफायर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से सरदार वल्लभ जी पटेल जो है उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि बाय कॉमन एंडेवियर वी कैन रेज द कंट्री टू अ न्यू ग्रेटनेस वेल द लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू फ्रेश कैलामिटीज। ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको समझना है कि अगर हम लोग साथ में मिल करके यहाँ पे काम करेंगे तभी कंट्री जो वो ऊपर उठ के जाएगा, और अगर यूनिटी नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरे जो दूसरे हम लोग के ऊपर चाह रहे हैं, ठीक है, जो दूसरे यहाँ पे हम लोग को मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उससे हम लोग कभी भी बचे हुए नहीं रहेंगे। अब देखिए ये जो व्यू है, ठीक है, ये बेसिकली दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पे कैरेक्टर था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और यहाँ पे बेसिकली वो प्रिंसिपल यूनिफायर है पूरा मॉडर्न इंडिया के, पूरा मॉडर्न इंडिया को यहाँ पे वो एक साथ में लेकर के आए। तो पटेल जी करके आगे बोलेंगे, ठीक है, बार बार नाम लेने में अच्छा नहीं लगता है। फोर्स बिहाइंड यूनिफिकेशन था, हमें उनके बारे में बात करेंगे क्या क्या ताकत थी उनकी जो कि यहाँ पे यूनिफाई की पूरा भारत को। तो यहाँ पे सरदार पटेल जी जो है वो उनका जो इरादा था वो हमेशा से ये था कि भारत को इस तरह से एक कर दें, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया जो भारत के अंदर आते थे, और वो लोग का ये था मतलब उन लोग को ये पावर था कि वो लोग किधर भी जा सकते हैं, ठीक है, भारत में आने तो भारत आ जाओ, या फिर आपको अगर जाना है पाकिस्तान तो आप लोग पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि पूरी ताकत लगाने के बाद सरदार पटेल के मतलब सरदार पटेल जो ताकत लगाए हैं उसके बाद भारत में 500 से ज्यादा 500 समथिंग था तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स था वो भारत में यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब यहाँ पे अगर पटेल का जो फीट मतलब जो पटेल जी यहाँ पे जीते तो उनको दर्शाते हैं, माउंट बैटन ने कहा था, लॉर्ड माउंट बैटन जो भारत के लास्ट वाइसराय थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया है वो पहला ग्रेट सक्सेस है इंडिया गवर्नमेंट का, ठीक है, उससे ज्यादा सक्सेस यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि काफी बहुत बड़ा एरिया जो है भारत में अभी है। पटेल जो है वो एक स्टेट्समैन है, मतलब एक ऐसे इंसान है जो कि अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस उनके पास रियल पॉलिटिक्स का है कि अभी देखना है कि क्या स्टेट को लेकर के पॉलिटिक्स में सही होना चाहिए, ठीक है, ये भी वो सोचते थे। और वो हमेशा ये सोचते थे कि किस तरह से भारत को बड़ा करना है और यूनाइट करना है। अभी जो प्रिंसिपल रूलर्स थे उनके पास ये ऑप्शन था कि वो लोग पाकिस्तान और भारत कहीं भी जा सकते तो उनके पर था, ठीक है। लेकिन पटेल जी का विजडम फोरसाइट पैट्रियोटिज्म टैग परजुएसिव पावर ऑफ कोर्स लोग किस तरह से परजुएट कर लेते थे कि सर आप लोग हमारे साथ चलिए, ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं रखा हुआ इस तरह से। तो वो चीज जो है वो सब मिलाकर के यहां पे क्या किया कि भारत को उस अवस्था में जब भारत का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत खराब था, ठीक है, किस तरह से क्या होने वाला किसी को कुछ नहीं पता था, उस सिचुएशन में भी क्या था कि पटेल जी जो है वहां पे तुरंत मतलब लेके आ गए। अब यहाँ पे ऑपरेशन पोलो जो कि बेसिकली हैदराबाद के लिए कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद के जो यहाँ पे नवाब थे तो वो लोग को यही था कि भाई हम लोग को चल जाना पाकिस्तान, वालों को पाकिस्तान में जाना करना, ठीक है। तो अभी अगर पटेल जी नहीं होते, हर किसी को यहाँ बता देना चाहते अगर ये पटेल जी नहीं होते तो भारत के बीचों बीच एक पाकिस्तान होता, ठीक है, और आप लोग उस समय कुछ कर नहीं पाते तो हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब बात जान लें कि ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये 5 दिन तक चला और लास्ट में जो हैदराबाद का स्टेट है उसको निजाम की ताकत से 1948 में यहाँ पे सितंबर की 1948 में यहाँ पे हटा दिया गया, निजाम यहाँ पे ताकतवर नहीं था और उसके बाद क्या किया इसको भारत में जो है वो ऐड कर लिया गया। अब यहाँ पे बोला कि उस सिचुएशन में जब वैसा सिचुएशन जब वो समय था तब वो बहुत एक क्रिटिकल टाइम था कंट्री का पॉलिटिकल यूनिटी के बारे में बात की जाए तो, ठीक है, और उस समय मतलब विनर ऑफ द मैच बन गए सरदार पटेल, ठीक है, वहां पे सब कुछ को बचा करके लेके चल गया वो। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा वो पेशेंस दिखाते थे, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे कोई भी चीज लेकर कि हाँ ये चीज हम लोग को कर ही लेना, पेशेंस के साथ पेशेंस और डिटरमिनेशन जो दोनों मतलब एक प्लेट में बहुत कम ही के पास होते हैं तो वैसा एक चीज था इनके पास। इसके बाद अब देखे कि देखिए यहाँ पे ये था ना कि बेसिकली निजाम के जो रूलर थे वो तो बोले थे कि नहीं भाई आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स तक लेके चल जाएंगे ये बात, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में लोग उठाएंगे आप लोग कुछ मतलब हमको पाकिस्तान में ही जाना है, और भारत का बीचों बीच एक पाकिस्तान किसी को राजी नहीं था। तो उस सिचुएशन में वो कितना मतलब अपना क्षमता दिखा करके वो बात न किसी इंसान तक मतलब किसी इंसान को यहाँ पे डर नहीं हुआ कि कल का दिन हो सकता है कि हैदराबाद में लड़ाई छिड़ जाए, ठीक है, भारत में आना पाकिस्तान में आना चीज को लेकर के, या फिर वो बात यूनाइटेड स्टेट्स तक भी नहीं गया, ठीक है, मतलब बहुत तुरंत ये जो चीज है मतलब सिचुएशंस जो है वो हैंडल कर लिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड केस था जूनागढ़ का गुजरात का, उनको भी वहीं जाना था तो वो भी पटेल जी यहाँ पे आराम से सॉल्व कर लिए। यहाँ पे बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की कि काश जो ताकत है जम्मू कश्मीर का जो डीलिंग है वो नेहरू परिवार के हाथ में नहीं जा करके पटेल जी के हाथ में होता तो बहुत पहले जम्मू कश्मीर को अपने अंदर ले चुके होते, लेकिन क्योंकि क्या बोले अब
बिल्डर ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे बिल्डर ऑफ इंडिया थे। पटेल जो है वो खुद को एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन, सॉरी खुद को नहीं, जो पूरा प्रोसेस हुआ ये चीज उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे मार धाड़ नहीं होना है, मतलब रेवोल्यूशन यहाँ पे कर देंगे। वो बोलते थे हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको कि आप लोग प्रेवी पर सेटलमेंट कीजिए, ठीक है, बेसिकली आप लोग खरीद लीजिए जो भी रूलर्स है, ठीक है, उनको कुछ पैसा दे करके वो जगह आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ पर खरीद लिए आप तो भारत का हिस्सा हो जाएगा, फिर वहां से लोग बहुत अमाउंट जो कलेक्ट कर पाएंगे, तो बेसिकली आपको उसको थोड़ा देर के लिए खरीदना है। ये पूरा फंडा था और यही जो पटेल जी वो चाहते थे। पटेल जी जो है वो महात्मा गांधी को काफी ज्यादा फॉलो करते थे, ठीक है, और वो जो है अभी कभी भी लॉयल्टी अपने छोड़े नहीं महात्मा गांधी को लेकर के, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब भारत को लेकर के पटेल जी और महात्मा गांधी जी दोनों का विजन जो है वो अलग था, ठीक है, कभी दोनों साथ में नहीं सोचते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि वो पीछे हट गए। वो जवाहरलाल नेहरू, देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ नॉट सी एनेट हुआ है, मतलब वो जवाहरलाल नेहरू उनको एकदम पसंद नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे सर्टेन इशूज का आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज थे जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी के बीच में बनता नहीं था, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक मुद्दा था। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो जवाहरलाल नेहरू संभाले, देख लीजिए क्या हो रहा है, हैदराबाद संभालते तो भगवान जाने क्या हो जाता। यहाँ पे वो लग रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पटेल जी ऐसे जो डिफरेंसेस है जवाहरलाल नेहरू के साथ हो गया, फिर महात्मा गांधी में कोई केसेस के साथ हो गया, तो उसको बीच मान लिया, ठीक है। भारत को प्रोटेक्ट करने के समय कभी बीच में नहीं, कभी भी ईगो नहीं आया उनके ऊपर कि भाई नहीं मैंने सब कुछ किया, हैदराबाद को मिलाया, गुजरात को मिलाया, तो नेक्स्ट वाला जम्मू कश्मीर में मुझे क्यों नहीं मिलाने दे रहे, आप लोग जाइए, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो उस तरह का कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। पटेल जो है वो काफी ज्यादा मेहनत के साथ यहाँ पे काम करते थे, नेहरू का साथ मिल मिल करके यहाँ पे बहुत बार वो लोग काम किए हैं। पटेल जो एक मल्टी फेस्ड पर्सनैलिटी थे, एक डायनेमिक पॉलिटिकल लीडर थे, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर ऐसे जो कि बहुत तरह से काम करते थे, मल्टी फेस्ड फेसेटेड है, मतलब काफी ज्यादा लोगों के साथ वो मिलते जुलते थे और काफी ज्यादा अच्छा सबके साथ उनका कोऑर्डिनेशन था। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजर थे, पार एक्सेलेंस, मतलब एक्सेलेंस के बाहर वो ऑर्गेनाइज करते थे ऐसी चीजें, मतलब ऐसा सिचुएशंस। आप लोगों घर में थोड़ा सा भी टेंशन होता होगा, ये हो गया वो हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो आप लोगों का माथा फटने लगता होगा कि भाई अब क्या होगा, अब ऐसा होगा वैसा होगा, ये वाला वो ये और वो, और वो मतलब पूरा का पूरा एक सेपरेट स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, और उसको भारत में मिला दिए बिना किसी को पता चलने दिए। तो उस तरह का मतलब गजब का एक नेगोशिएटर थे, वो स्किलफुल थे नेगोशिएटर, नेगोशिएशन करते थे इतना आसानी से कि पता ही नहीं चलता था। महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस के अंदर आने के बाद वो यहाँ पे एक बहुत अच्छे लॉयल फॉलोअर बन गए उनके, ठीक है। और वो जब ब्रिटिश का यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा लगाते थे, खेड़ा और बदोदी जो कि बरदोली जो कि गुजरात में, तो वहां पे उनका हेल्प किया, ठीक है, उसी समय उनको उनका नाम में सरदार मिला, क्योंकि वो बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी था उनके अंदर, ठीक है। और वो हेल्प भी किए बहुत सारे पेशेंट्स को कि आप लोग लड़िए, ठीक है, अकेले वो जाकर के हेल्प किए यहाँ पे और कोशिश किए कि वो लोग को टैक्सेस से निकाल सके। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टील ऑफ फ्रेम के आर्किटेक्ट के बारे में। बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है वहां पे सिविल सर्विसेज के बारे में कि आयरन मैन जो थे, सॉरी यहाँ पे जो पटेल जी थे या फिर आयरन मैन जो थे, तो आयरन मैन जी जो है वो हमारे क्या थे कि सिविल सर्विसेज के मतलब एक स्टील फ्रेम थे। सिविल सर्विसेज जो इन्हीं के ऊपर खड़ा हुआ है, भारत के सिविल सर्विसेज है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर हम लोग को किसी तरह भारत को बचाना है, इंटीग्रिटी यहाँ पे रखना होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिविल सर्विसेज यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। हर इंसान के पास खुद का पावर होना चाहिए, मतलब हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर वो पढ़ रहा है तो वो ऊपर जाकर के मतलब भारत का भलाई कर सके, ठीक है। और यहाँ पे उनका ये कहना था कि योर ऑफिसर्स, बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी नया आता है सिविल सर्विसेज के अंदर, उनको ये बात बोली जाती है कि योर ऑफिसर्स या फिर योर प्रेडिसर्स वे ब्रॉट अप इन द ट्रेडिशन वेयर दे फेल्ट आउट ऑफ टच एंड केप देमसेल्व्स अलोफ फ्रॉम द कॉमन रूल ऑफ द पीपल, कॉमन रूल ऑफ द पीपल का मतलब ये है कि जो भी आपके पहले जो ऑफिसर्स थे यहाँ पे, उनको ऐसा तरह से बनाया गया है, ठीक है, ऐसा तरह से रखा गया है कि वो लोग खुद को दूसरों से दूर रखते हैं, ठीक है, दूसरे क्या सोच रहे वैसा वो नहीं सोचते, क्योंकि वो लोग क्या वो ट्रेडिशन से जुड़े हुए दूसरे लोग, ठीक है, वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा सोचना है कि आप लोग को हर किसी के बारे में सोचते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इट विल बी योर बाउंडेड ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन इन इंडिया एज योर ओन एंड पुट इट करेक्टली टू फील योर सेल्फ टू बी वन ऑफ देम। मतलब बोला जा रहा है कि आपको जो सामने जो इंसान है आपका, ठीक है, आपको नहीं देखना है कि वो कोई और जात से कोई और धर्म से, आपको हर किसी को एक तरह और खुद के जैसा मानना है। और इनफैक्ट आपके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को भगवान मानिए, आपको खुद को भी उनकी तरह मानना है, ठीक है, पहले उनको तो अपना मानिए प्लस खुद भी उनके हो जाइए। ये चीज है वो पटेल जी वहां पर कहते थे। जो यहाँ पे इसके बाद जो टॉपिक है वही की द मैन ऑफ इंटीग्रिटी इंटेंशंस नेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए कुर्बानियों के बारे में बात की गई है काफी, यहाँ पे दो कुर्बानियां बेसिकली बात की गई है, ठीक है, जो कि मुझे काफी खराब लगी कि उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए था इतने बड़े इंसान के साथ। यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे महात्मा गांधी ने बोला पटेल जी को कि आप यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसमें जाकर के मत अपना ये दीजिए, योगदान दीजिए, ठीक है, प्रेसिडेंट मत बनिए, क्योंकि उस समय वो पंडित नेहरू चाहते थे कि पंडित नेहरू जो है वो थोड़ा ज्यादा
फूले फले, ठीक है, पंडित नेहरू का ये डिमांड था कि मैं चाहता हूँ कि मैं संभालू भारत को, तो उसमें प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेचर है वो छोड़ दिए वो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पहला जो प्रेसिडेंट है, अगर हम लोग लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट देखे भारत के, तो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट में देखिएगा पहला प्रेसिडेंट हम लोग का INC के मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी जो है, ठीक है, वो अगर देखिएगा इनका जो कैंडिडेचर है वो INC का है, तो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो INC के थे, उसके बाद यहाँ पे ये आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, वो अपने ऊपर थे। तो उसी तरह का क्या था कि यहाँ पे जो ये भी थे हमारे पटेल जी थे वो भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन पहले बार महात्मा गांधी ये चाहते थे कि पहले जो प्रेसिडेंट हो वो इंडिपेंडेंट ना होकर के INC करे, क्योंकि पंडित नेहरू जो INC के होल्डर थे, INC को वो सही से चलाते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि नहीं आप छोड़ दीजिए, पंडित नेहरू को करने दीजिए, तो वहां पे उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है वो पटेल जी नहीं बन सके, ठीक है, वो छोड़ दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में किसी भी तरह का खराब माहौल ना बने। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की गई कि प्रेसिडेंट क्योंकि INC का है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी हर किसी को लग रहा था कि INC का ही होगा, और इस बार फिर से वो क्या किए कि अपने जो प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेचर था वो भी छोड़ दिए, ठीक है। पहले हर कोई ये चाहता था, यहाँ पे देखिएगा कि मेजोरिटी जो स्टेट का जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि ये बने, मतलब पटेल जी बने यहाँ पे प्रेसिडेंट, लेकिन वो खुद का छोड़े, प्राइम मिनिस्टर का मौका है तो वो भी छोड़ दिए, और उस समय पंडित नेहरू जो है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन के आए, ठीक है। यहाँ पे मौलाना आजाद जो है वो ये कहते हैं कि ही मेड His choice out of two courses that come before a man. यहाँ पे ये बोला है कि एक इंसान के सामने दो कोर्स आता है, एक ऐसा समय आता है कि दो कोर्स आता है, नहीं तो वो खुद को चुनता है, नहीं तो वो अपने देश को चुनता है, और इस समय सरदार जी ने अपने देश को चुना। यहाँ पे ये मौलाना आजाद के द्वारा कहा गया, ठीक है। और ट्रिब्यूट की अगर बारे में बात करते हैं, बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट लगता है देखने में, क्योंकि इतना कुछ किया हुआ उस इंसान के बारे में है, और ये छोटा सा ट्रिब्यूट हम लोग दे रहे हैं, और काफी लोग हैं जिनको अभी भी आपत्ति है इस ट्रिब्यूट से, मुझे नहीं पता क्यों। यहाँ पे 182 मीटर टॉल एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि बनाया गया, हम लोग उस चीज को डिस्कस किए, फिर से इसमें बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राइटली नेम्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया का मैन, तो किस तरह से उनका नाम जो एकदम सही है भारत, मतलब जैसे उनका भारत नाम दिया आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो उस पर वो कमेंट करना, बताना क्यों नाम सही है। ऑफकोर्स हम लोग सपोज जो भी पीछे पड़े हैं वो सब यहाँ पे दर्शाएंगे जरूर। फेसबुक देखिए, फेसबुक का डाटा लीक रिडक्स, तो फिर से यहाँ पे एक डाटा लीक देखने को मिला फेसबुक के द्वारा, ठीक है, काफी मतलब फेसबुक कंट्रोवर्सी में रहता है, न्यूज हेडलाइंस को छोड़ता ही नहीं है वो। तो देखिए फेसबुक का सिक्योरिटी यहाँ पे ब्रीच हुआ फिर से रिसेंटली, कैम्ब्रिज एनालिटिका जो फेसबुक का एक हुआ था यहाँ पे कांड, और उसमें पता चला था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी को जिताने के लिए यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो बेचा गया था बेसिकली फेसबुक का द्वारा, भेजा नहीं गया था बोल सकते, लीक हुआ था फेसबुक के द्वारा, और फेसबुक जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के जो टॉप यहाँ पे प्रोफेसर थे उनके द्वारा, उनके हेल्प से यहाँ पे हुआ था ये चीज, ठीक है। तो ये जो एक चीज था, 6 महीना हुआ इस बात को हुए हुए, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा कि फिर से क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन अकाउंट का सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पे हुआ, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ अकाउंट जो है उसमें सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। फिर बाद में बोला है कि नहीं ये 50 मिलियन नहीं है, 30 मिलियन है, तो जो भी यहाँ पे डिटेल्स, ऑफकोर्स यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ है, इसके अलावा पता भी नहीं है कि कितना सिक्योरिटी ब्रीच यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ, डिटेल्स हम लोग को किसी को पता नहीं है। यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स May 2018 में आया, इस साल के May 2018 में आया, और उसके बाद क्या हुआ कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के आने के बाद ही पता चला, नहीं तो ये अगर इंप्लीमेंट नहीं होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि फेसबुक में ऐसा डेटा लीक भी हुआ है। अब GDPR क्या है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो ये एक रिप्लेसमेंट है 1995 का डायरेक्टिव का, जो कि EU में काम करता था, जो कि कोशिश करता था कि हर इंसान के पास एक मिनिमम पावर की वो अपने डेटा प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो 1995 का बहुत पुराना एक डायरेक्टिव था, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे, बहुत कुछ नया आ गया उसके बाद, उसको चेंज नहीं किया गया, इसलिए GDPR जो है वो अब आएगा, क्योंकि वो जो है अब राइट को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। अब क्या है कि वो पावर देगा इंसान को कि नहीं अब अपना जो डेटा है वो अब बचा सको, क्योंकि यहाँ पे बिग डेटा की बात की जा रही है। अब इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आया है GDPR, ये बेसिकली मतलब हर एक EU का जुरिसडिक्शन में काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर जुरिसडिक्शन के साथ, जैसे कि फ्रांस में आप जाइए आपको अलग से परमिशन लेना है, जर्मनी में जाइए अलग से परमिशन लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा EU में एक तरह से मतलब टोटल स्प्रेड होकर काम करता है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन पर स्प्रेड होकर काम करता है, किसी एक जुरिसडिक्शन में काम नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा इसका जो इन्फोर्समेंट एक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फाइन है वो खतरनाक है, बेसिकली 4% का जो कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर है, मतलब कितना का वो सौदा करती है, प्रॉफिट के बाद नहीं कर रहा हूँ, जितना वो सौदा करेगी उसका 4% फाइन है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ 20 मिलियन यूरो की वहां पे बात की गई है, ठीक है। तो इतना ज्यादा फाइन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो रूल्स है ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे सेफ फील करे, कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हमेशा ये लगे कि नहीं उनका जो डाटा है वो प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे EU GDPR जो है वो क्या करती है, एक मिनिमम सेट ऑफ गाइडलाइंस देती है कि हाँ भाई आप लोगों को बेसलाइन देती है बेसिकली कि आपको उसको तो फॉलो करना ही है, उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी ऐसा एक सजेशन है लेकर के, अगर आप लोगों को पता हो तो ये बेसिकली
सजेशंस जो बीएन श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा मैं आया था, तो वो भी अपने इंस्पिरेशन जो वो यूजीडीपीआर से लेती है, हम लोग उस समय डिस्कस किए थे। और यहाँ पे एक और टॉपिक पॉइंट ऊपर छूट गया, शायद मैंने बोला नहीं है, तो वो ये है कि यहाँ पे बेसिकली जो लोग हैं वो यहाँ पे चाहे तो पूछ सकते कंपनी से कि भाई क्या डेटा आप मेरा होल्ड करते हो, आपको दिखाइए, और अगर पूछना नहीं भी चाहते तो आप डिलीट कर दिए डेटा मैं आपको दिया हूँ, आप डिलीट कर दिया, कंपनी को डिलीट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ है, ठीक है। अगर कुछ हाईलाइट्स देखिए यूजीडीपीआर का, तो यहाँ पे बेसिकली कंसेंट लेने के बाद किया जाता है कि आप लोग जब भी डाटा प्रोसेस कीजिएगा तो आप कंसेंट लीजिएगा। जैसे देखिए आप लोग कोई भी ऐप इंस्टॉल करते होंगे अपना फोन में, तो उसके बाद वो हमें कुछ काफी परमिशन वो मांगता है कि कैमरा का एक्सेस का परमिशन चाहिए, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट का एक्सेस का परमिशन चाहिए, आपका मीडिया का एक्सेस का परमिशन चाहिए, ठीक है, आपका जो भी स्टोरेज उसका एक्सेस का परमिशन चाहिए। तो यहाँ आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप जो भी उसको परमिशन दे रहे हो क्या वो ऐप उसको रिक्वायर करता है। देखिए जैसे कि मैंने एक वीडियो प्लेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, मैंने जब उसका परमिशन चेक किया तो वो मांग रहा था कि भाई मुझे आपका कॉन्टैक्ट का परमिशन चाहिए, जो कि जरूरत नहीं है, किसी भी वीडियो प्लेयर को कॉन्टैक्ट का परमिशन जरूरत नहीं होता है। तो आई जस्ट स्विच कि मैंने मुझे ये रखना ही नहीं है, मैं दूसरा वीडियो प्लेयर रखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोग हर बार अपना जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन कर ही दें, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे और एनोनिमाइज कर देना आपको डेटा को, ठीक है, कि एनोनिमस है ये इसका जो डेटा है, आप डेटा कलेक्ट कर लिए, ठीक है, आप किसी तरह से लोगों से डेटा निकाल भी दिए, तो वो जो डेटा है अब उसका नाम पे सेव नहीं करना आप डेटा को नाम ए नाम दे करके सेव कर दीजिए, वो किसका डेटा किसी को पता नहीं, वो बस डेटा है, ठीक है। इसके अलावा ब्रीच नोटिफिकेशन करना, यहाँ पे डाटा ब्रीच का नोटिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अगर किसी भी तरह से आपका डेटा ब्रीच होता है तो उसके बारे में आपको हर किसी को बताना पड़ेगा, एक एक इंसान को बताना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोशिश करना पड़ेगा कि जो भी डाटा ट्रांसफर होता है दो कंट्री के बीच में तो उसको सेफली हैंडल करना। अगर पे इम्पैक्ट की बात करें अगर यूजीडीपीआर का, तो ये बेसिकली जो डाटा रेगुलेशन यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो जीडीपीआर जो है, उन्होंने फेसबुक ये फोर्स किया कि आप लोग तुरंत हर किसी को बताइए कि ये इस तरह का डेटा ब्रीच हुआ, ठीक है। तो तुरंत यहाँ पे फेसबुक जो है वो भी एक्शन में बोले कि भाई यहाँ पे डेटा ब्रीच हो चुका है, ठीक है। जीडीपीआर जो है वो बोलती है कि किसी भी तरह से अगर आप लोग को पता चले कि आज आपका डेटा ब्रीच हुआ तो आपको 3 दिन के अंदर आपको हर एक पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपके साथ जो है वो डेटा ब्रीच हुआ है, जो कि बेसिकली आपको डेटा दे रही है, तो आपको बताना है, ठीक है। अब यूजीडीपीआर जो है उन्होंने अवेयरनेस तो इंश्योर किया ही है, प्लस इसके साथ ये भी किया है कि एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके आए हैं कि हाँ भाई एक कंट्री में डेटा को किस तरह सिक्योर किया जा सके, ठीक है। तो वो हेल्प जो वो लेके आया, उसके बाद बहुत सारे टेक जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो वो लोग क्या किया, जो प्राइवेसी नॉर्म्स है उसको चेंज किए हैं, जो कि यूजर्स यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो ही यहाँ पे आएंगे पावर में। अब कंक्लूजन देखा जाए तो इन जनरल अगर बात करें तो सिटीजन कंज्यूमर्स हैं उनके पास दो चॉइस है यहाँ पे, ठीक है, दो इक्वली अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब दोनों ही नहीं चाहेगा एक इंसान। पहला तो ये कि खुद को छोड़ दे, जो भी और उनका प्राइवेसी लॉस हो रहा है इस वर्ल्ड में उसको मतलब नहीं तो प्राइवेसी को ले लें, ठीक है, मतलब प्राइवेसी को आप बचा लीजिए अपना और इस दुनिया में जो भी ऑनलाइन चीज हो उसको छोड़ दीजिए, ये हो सकता है। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली आप लोग आराम से जाओ, आप लोग ट्रेनिंग लो किस तरह से आपको अपना डेटा बचाना है, ठीक है, किस तरह से आपको बेसिकली सिस्टम्स को बाईपास करके आगे बढ़ना है, तो वो चीज आप सीख लो। ये दो चीज है, ठीक है, और इसके बाद और कुछ आपके पास ऐसा कुछ खास है नहीं, दो ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डाटा सिक्योरिटी ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए ऐसा है, मतलब एक बहुत बड़ा सेमिनार टॉपिक बन चुकी है, तो जीडीपीआर के लिए जरूरी है कि जीडीपीआर को अब क्या करना पड़ेगा कि ईयू के बाहर भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये यूरोपियन यूनियन बस काम करता है, लेकिन इसको बाहर लाना पड़ेगा। बोला जा रहा है कि बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि जो लोग है उसका डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। अब कंक्लूडिंग नोट्स में क्वेश्चन है कि रेगुलेटरी रिजिम सच एज द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन मस्ट बी इनफोर्स बियॉन्ड ईयू, मतलब ईयू के बाहर भी ये काम करना चाहिए, भारत में अमेरिका में काम करना चाहिए, रेट करना है इसको आपको, ठीक है, इसके फेवर में आपको बोलना है। अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लोबल सोयल बायोडाइवर्सिटी एटलस कौन प्रिपेयर करता है, तो ये आप बताइएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है एलपीआर जो वो कौन पब्लिश करता है, ये तो दो बार डिस्कस किया तो इसको नहीं बताऊंगा ये कौन यहाँ पे किया। यहाँ बोला है कि पीएसयूज को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कौन बोलते थे, ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप बताइए कौन बोलते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर है कि कुछ स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के, तो उनके बारे में बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे नेशनल यूनिटी डे जो कि 30 अक्टूबर का ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ है उसको मतलब मनाने के लिए यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा बाय प्रोफेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इकोनॉमिस्ट थे और ये पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है, तो आप लोग बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके अलावा क्वेश्चन फाइव अगर बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में, आप लोग वो बताइए कि ये डिजाइन जो है वो ये डिजाइन है, ये डिजाइन बनाया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, और इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ये बनाया इसलिए गया ताकि जो लोग हैं वो कुछ ओपन अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क जो कि प्लग रूप में उससे बचा सके, ठीक है, तो दूसरा तो नहीं होने वाला है, ठीक है, अब लोग बताइएगा पहला है कि नहीं है,
आपके ऊपर ये है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सिटीजन डेटा, सिटीजन के डेटा को बचाने के लिए जीडीपीआर जो है वो कहाँ पे पास किया गया, ठीक है? तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन, ऑफ कोर्स इसका आंसर नॉर्वे तो नहीं होगा। तो इसी के साथ वीडियो हो चुका, वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, नहीं पसंद वीडियो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, नेक्स्ट डे।